कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बुधवार को बैठक ली। बैठक में प्रशासन के अधिकारी और डॉक्टर उपस्थित थे। जिला स्तरीय बैठक में कलेक्टर श्रीमती चौहान ने जिले के स्वास्थ्य अमले को अलर्ट रहने के साथ कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इस वायरस से सावधान रहने के लिए बचाव और उपचार जनता तक पहुंचाए जाएं, साथ ही जिले में जो भी संदिग्ध मरीज यदि आता है तो उसकी सावधानी से जांच की जाए। कुछ अवेयरनेस या मतलब कुछ चीज जो हमारे सभी लोग साथ में हैं, तो किसके संबंध में ये रहे, मतलब पॉइंट ये है कि आज ये अवेयरनेस के संबंध में बात करना इसलिए जरूरी था कि ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से इसके बारे में जाने। आपको फुली अवेयर होना चाहिए कि व्हाट आर द सिम्टम्स, जो हमारे सभी डिपार्टमेंट्स है या आपके डाउन द लाइन नीचे आपको मालूम होना चाहिए आपके ग्राम पंचायत के लेवल तक। मंगलवार की दोपहर में कोर्ट चौराहे पर एक व्यक्ति युवती को सरेआम थप्पड़ मार रहा था और अपनी बाइक पर बिठाने की जिद कर रहा था, लेकिन युवती नहीं बैठ रही थी। यही नजारा लोग देखकर तमाशबीन बने हुए थे। तभी एक अभिभाषक विजय सिंह यादव ने हस्तक्षेप कर समझाइश दी। विधिक सहायता समिति ने युवती को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। मंगलवार को मुस्लिम युवती सोफिया को उसके पिता चाटे मार रहे थे और लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, इसलिए सब तमाशबीन बने हुए थे। तभी अभिभाषक विजय सिंह यादव पहुंचे और उन्होंने समझाया कि न्यायालय परिसर के आसपास कानून अपने हाथ में लेना उचित नहीं है। पिता ने अभिभाषक को बताया कि युवती हिंदू युवक से शादी करना चाहती है, युवक फिलहाल जेल में है। मामले को समझाकर अभिभाषक यादव ने उन्हें विधिक सहायता समिति के पास भिजवाया, जहां से युवती को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रंग पर्व होली के निकट आते ही देवालयों में होली के संग भक्ति के रंग चढ़ने लगे हैं। मंदिरों में फाग उत्सव मनाकर श्री कृष्ण के साथ होली खेली जा रही है। राजस्व कॉलोनी स्थित श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में फाग उत्सव मनाया गया। यहां भजन गायिका नूतन भट्ट ने भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी। फाग उत्सव में भजन के बाद आरती की गयी। इस अवसर पर पंडित श्यामलाल शर्मा सहित भक्तजन उपस्थित थे। ब्राह्मण महिला संगठन ने फागोत्सव मनाया। शीतल वैष्णव ने कृष्ण का रूप धारण किया, वहीं अनीता शर्मा राधा बनी। नूतन भट्ट तथा प्रतिभा भट्ट ने भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों की प्रस्तुति के साथ उड़े गुलाल और पुष्प वर्षा के साथ जमकर नृत्य कर फागोत्सव मनाया गया। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बुधवार की सुबह जिला चिकित्सालय OIC एवं डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन जिला अस्पताल पहुंची। सुश्री जैन ने समूचे हॉस्पिटल और वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों एवं भर्ती मरीजों की जानकारी ली। कोरोना वायरस से निपटने के लिए उपचार की तैयारी एवं समाधानों की भी जानकारी ली और कोरोना वायरस के लिए OPD तथा वार्ड अलग से बनाने तथा उसका रास्ता भी बाहर ही बनाने के निर्देश दिए। सेलाना के समीप
करीब 5 माह पूर्व एक दंपत्ति के साथ हुई लूट की वारदात के आरोपियों को सैलाना पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए सभी बदमाशों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से सभी बदमाशों को जेल भेज दिया गया। सैलाना थाना क्षेत्र के ग्राम भेसा डाबर के समीप 5 माह पूर्व एक लूट की वारदात हुई थी। बड़ाइला माताजी निवासी सुरेश चौधरी अपने परिवार के साथ रात्रि में 2 पहिया वाहन से इंदौर से अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3-4 अज्ञात बदमाशों ने रोक कर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें मोबाइल फोन, 2000 नगद, ATM कार्ड सहित पत्नी के जेवर ले उड़े थे। इस मामले की रिपोर्ट सैलाना पुलिस थाने में दर्ज हुई थी। पुलिस ने बदमाशों की खोज शुरू की है, लेकिन अब 5 माह बाद पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने लूट के आरोपी 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। आज जो 4 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं और उनको कोर्ट में पेश किया है, इनके द्वारा जो है 2019 के 10वें महीने में है, फरियादी सुरेश चौधरी उसकी पत्नी के साथ लूटपाट करी थी और उनसे मोबाइल, सोने की गले की चेन और सोने के टॉप्स और पर्स और लूटपाट की गई थी। तो साइबर सेल की मदद से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके 2 साथी जो है उनको उज्जैन से लाना है। इनका 1 दिन का PR लिया गया है। क्या क्या इनसे प्राप्त हुआ सर उनके पास? इनसे मोबाइल प्राप्त हुआ है फरियादी का, और जो सोने की जो गले की चेन थी और कान के टॉप्स थे वो भी बरामद हो गए हैं। कुल कितने रकम, कितने अभी कीमती फरियादी द्वारा उस समय बताई गई थी 50,000। क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की वारदात हो गई। खबर के मुताबिक एक्टिवा पर सवार लुटेरे ने पहले एक महिला की चेन पर हाथ डाला, अपने साथ हरकत होते देख महिला सतर्क हो गई, जिससे लुटेरा भाग गया। इस असफल हादसे के बाद लुटेरे ने फिर वारदात की। बताया जाता है कि 1 घंटे के भीतर भोयरा बावड़ी निवासी महिला अनिता दुबे की करीब 5 ग्राम वजनी चेन पर हाथ साफ कर लिया गया। पीड़ित महिला शीतला माता मंदिर से दर्शन कर आ रही थी। माणक चौक थाना प्रभारी अयूब खान के मुताबिक महिला के साथ दोपहर में 1 बजे वारदात हुई है। CCTV कैमरे के फुटेज देखे जा रहे हैं। चीता भी तलाश में लगी है। Thank you.